फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि कुमार। आज हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में, जो यूके ने नई पॉलिसीज़ अप्लाई करी हैं और वो कब से इफ़ेक्ट में आएंगी, मीन्स कब से वो लागू होंगी, उसको हम जानेंगे। और जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, पूरी हम इसमें डिटेल में जानेंगे। सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और ये वीडियो पूरा देखें, अपने फैमिली दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि यूके इमिग्रेशन जो पॉलिसीज आई हैं उससे रिलेटेड सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो फ्यूचर में यूके जाना चाहते हैं या ऑलरेडी यूके में हैं, और इमिग्रेशन के स्टूडेंट्स से भी है, जॉब से भी पर्पज से जो पॉलिसीज आई हैं पूरा हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में कर लेना, मैं करूँगा। सो यूके में जो पॉलिसीज नई आई हैं, पहले तो बात करेंगे जो यूके में सेपरेट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, उसकी डेट थी 31 जनवरी 2020। सो उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड मिस यूके यूनाइटेड किंगडम ये सेपरेट हो गए हैं, सो यूनाइटेड किंगडम की एक अलग एक उन्होंने अपनी एक यूनिक टैलेंट मिस यूनिक पोजीशन को बनाने के लिए नई पॉलिसीज का उन्होंने प्रावधान रखा है। उस पॉलिसीज में क्या क्या है, और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि इंडियंस के लिए और नॉन यूरोपियन मिस इंडियंस जो नॉन यूरोपियन में आते, मिस यूरोपियन यूनियन और नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बराबर है, सेम इक्वल है। मिस जो अब यूरोपियन यूनियन के साथ जो पॉलिसीज लागू होंगी, जो लॉज लागू होंगे, वही इंडियंस और नॉन यूरोपियन यूनियंस की सिटीजनशिप के लिए भी लागू। एक अच्छी न्यूज़ है कि इंडियंस के लिए, अगर वो इंडियंस उधर पढ़ाई कर रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं और यूरोपियन सिटी, तो एक सब बैलेंस मिस बराबर की ही मान्यता है दोनों के लिए, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इंडियंस के लिए। और जो एक अच्छी न्यूज़ ये है, जो यूके में अब इन्होंने एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम रखा है, जो ये पॉइंट सिस्टम जो आपको पीआर और वहाँ तक की सिटीजनशिप के लिए ले जाएगा। मोस्टली जो ये पॉइंट सिस्टम है वो सिस्टम है वहाँ की वर्क लेबर मिस हाउ टू गेट जॉब ऑफर, मिस आपको जो जॉब क्राइटेरिया उन जो उन्होंने सिलेक्ट करा है उस पॉलिसीज में क्या क्या है, जो अब यूके ने स्टार्ट करा है वो फॉलो है, सेम द ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। जब आप ऑस्ट्रेलिया या कैनेडा में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो पॉइंट सिस्टम है उसमें। सो यही पॉइंट सिस्टम इसी तरह का कुछ यूके ने नए इंप्लीमेंटेशन करा है। सो एक यूके में एक जो वहाँ के होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल जी मैम, उन्होंने जो एक ग्लोबल टैलेंट को वेलकम करा है यूके में, अब वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं, जो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं कि आप वहाँ पर इमिग्रेशन आराम से ले सकते हैं, और किस किस को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कौन कौन से जो पॉलिसीज़ हैं वो सेम हैं जो ऑलरेडी इंडियंस और नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स और यूरोपियन सिटीजन ऑलरेडी हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने हाई स्किल्ड को बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है, और जो लो लेवल स्किल जॉब्स हैं उसको भी कंटिन्यू रखा है, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद वे कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। लेकिन जो स्टेम है मिस साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो इसके रिलेटेड है वो उसमें उन्होंने सेम रखा है, साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं, सो इन्होंने जो क्राइटेरिया उनका है वो पॉइंट बेसिस पर भी सेम रखा है। सो मेन जो है, हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर वन से सबसे पहले क्या है, जो पॉइंट सिस्टम है वो है स्पॉन्सरशिप का। अगर जॉब एम्प्लॉयर जो है आपका स्पॉन्सरशिप देता है, आपको पॉइंट मिलेंगे 20, और अगर आपकी जो जॉब स्किल्स है और आपका जो टैलेंट है वो उसके साथ मैच करता है तो भी आपके पॉइंट मिलेंगे 20। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें, अगर आपके पास IELTS TOEFLs है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप PhD करंट कर रहे हैं और अगर आप स्टेम के अंदर नहीं आते, मिस जो आपके रिलेटिव जॉब ऑफर के ऊपर नहीं आती है, तो भी आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी PhD रनिंग है या PhD ऑलरेडी है, लेकिन आपकी जो PhD में जो सब्जेक्ट्स हैं, मिस जिसमें आपने PhD कर रखी है उसके रिलेटेड जॉब है, आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। सो इस तरह से 70 पॉइंट्स हैं, जो आपका जो मेन फोकस करा है वो जॉब ऑफर जो स्पॉन्सर्ड है उसके ऊपर करा है, और दूसरा एजुकेशन के ऊपर करा है। सो एक ग्लोबल टैलेंट को उन्होंने वेलकम करा है।
सबसे अच्छी बात है अगर ये जो क्राइटेरिया है, चाहे वो इंडियंस हो, नॉन यूरोपियन सिटीजन हो, यूरोपियन सिटीजन, अगर ये क्राइटेरिया वो क्लियर करता है तो इमिग्रेशन उसका आराम से क्लियर हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल, अगर PhD स्टूडेंट्स है और जो स्टैम के अंदर आता है और स्टैम के अंदर नहीं आता, या जॉब रिलेटेड उसकी जो PhD है, तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। इंग्लिश में आपके अच्छे बैंड्स हैं टॉफिल्स में, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। आपका जॉब स्पॉन्सर है और आपकी एजुकेशन के साथ, तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे। आपकी जो जॉब स्किल्स है वो उसके साथ रिलेटेड है, तो आपको 20 पॉइंट, तो कुल मिला के 70 पॉइंट्स इस तरह से मिलेंगे। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडियंस के लिए है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर जो हाई टैलेंटेड इंडियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट, उसके लिए रिमेन क्राइटेरिया है। और इमिग्रेशन जो एक पॉलिसीज़ है उन्होंने थोड़ा टफ जरूर करा है, लेकिन एक अच्छी क्लियर पॉलिसीज़ उन्होंने कि अगर आप देखना चाहते हैं, 7 जो पॉलिसीज़ हैं, 70 पॉइंट्स जो उन्होंने क्रिएट करें, वो आप UK www.uk.gov इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में उस लिंक का, वेबसाइट का नाम दे दूँ या कुछ कर दूँ। और एक उन्होंने बहुत अच्छा निकाला है मैक सिस्टम, जिसे माइग्रेशन अथॉरिटी ऑफ सेरेमनी जिसे बोलते हैं, जो है उसमें उन्होंने क्या है, अगर 20,000 पाउंड से अगर आपकी सैलरी लो है, आपको पॉइंट सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर 25,000 से ऊपर है, आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, और 20,000 से 25,000 के ऊपर है तो आपको उसमें 10 पॉइंट मिलेंगे। सो एक सैलरी क्राइटेरिया भी उन्होंने पॉइंट बेसिस में डाला हुआ है। अच्छा, एक बात आती है कि जैसे अगर कोई PhD होल्डर्स है वो भी उसमें जॉब ले सकता है, अगर उसकी सैलरी 22,000 है तो पॉइंट सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी का क्राइटेरिया उसका सेम रहेगा। तो 70 आपको पॉइंट्स उस हिसाब से इमिग्रेशन के लिए क्लियर करने हैं। सो एक जॉब स्किल्स में आप बोल सकते हैं, एक जो UK ने अभी उन्होंने एक अपना ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाया है, और इसमें जो स्टडी वीज़ा है वो EU सिटीजन्स के लिए भी ओपन है, सेम क्राइटेरियाज है, और एक बहुत अच्छी पॉलिसीज लेकर आए हैं, ताकि इसमें काफ़ी। अब एक सवाल आता है कि जो लो लेवल या मिडिल क्लास के लिए उन्होंने कुछ टेम्प्रेरी अभी तक करा, उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन जो अभी तक 70 पॉइंट्स की जो न्यूज़ आई थी मैंने बता दिया है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। अगर आप स्टेम के अंदर है तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में है। स्टेम का मतलब होता है, अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से हैं, अगर PhD कर रखी है, आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, और रिलेटेड जॉब ऑफर है तो 20 मिलेंगे, स्पॉन्सर्ड जॉब ऑफर लेटर आपके पास है तो भी 20 पॉइंट मिलेंगे, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, स्कोर बैंड अच्छा है, आपको 10 पॉइंट्स मिले, तो आपको 70 पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। और आपका सैलरी बेसिस पे भी, तो कुल मिला के अगर आपके पास 90 पॉइंट्स हैं, उसमें से आप 70 क्रॉस करते हैं, तो इमिग्रेशन पॉलिसीज में आप क्लियर कर सकते हैं। सो एक ये इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं जो मैंने डिस्कस करी है। अगर आप पूछना भी चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में कुछ पूछना, तो एक सैलरी के बेसिस पे भी इन्होंने 20 पॉइंट रखे हैं। अगर आपकी 25,000 से ऊपर सैलरी बनती है पॉइंट से, सो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, और कम बनती है तो 10 और 20,000 से कम, उसमें कोई 0 पॉइंट्स हैं। सो एक बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई है। सो ये एक गुड न्यूज़ है इंडियंस के लिए जो फ्यूचर में स्टडी करना चाहते हैं या फ्यूचर में उधर जॉब अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि UK गवर्नमेंट ने अब जो सेम क्राइटेरिया अप्लाई किया है जो ऑलरेडी कनाडा ऑस्ट्रेलिया में है। सो अब एक क्लियर कट आपके पास डाटा है, क्लियर कट आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपको किस हिसाब से इमिग्रेशन आपको क्लियर हो सकता है, आपका आपको वहाँ जॉब मिल सकती है, किस हिसाब से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, मीन्स अपनी जो आपका जो टैलेंट, आप क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे है। अगर आप इस क्राइटेरिया को क्लियर करते हैं, आपका इमिग्रेशन, वहाँ सेटलमेंट, आपका स्टडी वीज़ा, आपका जॉब फ्यूचर में बहुत सेफ एंड सिक्योर है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बता देना मुझे कमेंट्स में, और ये वीडियो दोस्तों या शेयर कर दो, एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल, इज अ फ्री ऑफ चार्ज। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। सो ये एक UK इमिग्रेशन की नई पॉलिसी थी। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो यूरोप में 5 साल का जो वीजा एक गुड न्यूज आई है वो कैसे है, क्या क्राइटेरिया है। सो अगले वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट्स करना कि यूरोपियन वीडियोस देखनी है अपने यूरोप वीजा के लिए या नहीं। सो देखनी है तो मैं बता दूंगा किस तरह से 5 साल का वीजा है, क्या क्राइटेरियाज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।